इम्प्रूवमेंट लाएं, तो हम उसको कर सकते हैं। जहां तक ये मामला है कि लोग जो पकड़े जाते हैं, अब हम हर साल अंदाजन 15 लाख से ज़्यादा केसेस करते हैं और करीब 16 करोड़ से ज़्यादा फाइन सिर्फ इस शहर में होता है, जबकि अभी पुराना लॉ चल रहा है, अभी नया लॉ पार्लियामेंट में लाया गया है। मुझे लगता है कि इस साल के आखिर तक वो लॉ नोटिफाई हो जाएगा जिसमें फ़ाइन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने कह के रखा है कि अगर कोई हमारा नाम ले तो सबसे पहले उसको ये करना कि उसको गाड़ी से उतार के कहना कि साहब आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। बल्कि एक साहब फिल्म बनाते थे, वो हमारे पहचान में थे, एक बार उन्होंने सिग्नल जंप किया तो हमारा जो कांस्टेबल था उन्होंने उसको बाजू में लिया, तो उन्होंने तड़ाक से मुझे फ़ोन लगाया। तो मैंने कहा कि साहब को जरा बुला के समझाना कि साहब आप जैसे लोग अगर ऐसा करेंगे तो वो आदमी जो रिक्शा चला रहा है वो क्या करेगा, और वो शर्मसार हुए उस पर। तो कोई भी शख्स जो इस किस्म की चीज़ें करता है, हम पहले ये कहते हैं कि भाई चलान हो गया ना, अभी फ़ाइन को भरो, और तुम जैसा आदमी अगर ऐसा एग्जाम्पल सेट करेगा तो दूसरे लोग क्या करेंगे। तो मैंने उनको जवाब दिया कि ही हैज सेट अ वेरी बैड एग्जाम्पल। मैंने सिर्फ यही जवाब दिया कि इन साहब ने एक बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट किया है, अगर अल्लाह ने आपको ये सदात दी है तो आपने तो लॉ को फॉलो करने में सबसे आगे होना चाहिए ताकि वो मिसाल भी आप सेट कर सके। जख्मी होने वाले या जख्मी किया जाने वाले शख्स की जगह अपने आप को या अपने बच्चों को या अपनी औलादों को या अपने रिश्तेदारों को रखकर अगर आप सोचेंगे तो आप यकीनन ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करेंगे और ट्रैफिक हवलदार्स की भी मानेंगे और उन तमाम कवानीन को मानेंगे जो इन्हें रोकने के लिए बनाए गए हैं।